हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हमने अपनी वीडियोस के अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। आज हम लोग इस क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में इन्हीं टॉपिक्स को मैं आगे और डिटेल में समझाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए जो मैट्रिक है वो आपकी है 2, 3, 4, 2, और बी जो मैट्रिक है वो है 1, -2, 3 और 5। तो ए प्लस बी के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, 2 + 1, 3 और 4 + 3, 7 और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 7। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट आंसर निकाल लिया। सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन है आपका a माइनस बी। तो a माइनस बी भी आप ऐसे ऐसे ही निकालेंगे, 2 - 1। मैं आपको थोड़ा सा खोल के समझा देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको न्यू टॉपिक को समझते टाइम थोड़ी सी दिक्कत आए, ठीक है ना। तो 2 में से 1 को सेपरेट किया 1, 3 + 2 हो गया या -, -, +, हो गया, तो ये आपका आ गया 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -3। इस तरीके से हमारे पास ये आंसर भी आ गया। तो अगला है जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वो है 3a - c। तो यहाँ पे पहले मुझे 3a निकालना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है, जो कि मैंने अपनी पहले जो वीडियो बनाई थी इससे पहले उस पर डिस्कस किया था। मेरी वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझाते टाइम मुझे दिक्कत ना आए। अब यहाँ पर स्केलर की बात हो रही है, तो ए जो मैट्रिक है वो है हमारी 2, 3, 4, 2। अब मुझे क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 3 × 2 = 6, 9 = 12 और 6, इस तरीके से। अब मुझे कुछ नहीं करना है, 3a - c निकालने के लिए 6, 12, 9, 6 ऐसे लिखना है, -c मैट्रिक्स मेरी क्या है, -2, 5, 3, 4, इस तरीके से लिख देना है। और अब मुझे इनको माइनस करना है 6 में से, यहाँ माइनस का साइन है, ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से करना होगा अगर आपको दिक्कत आ रही है स्टार्टिंग में करने में। 9 - 3, 6 - 4, तो हमारे पास आंसर यहाँ आ जाता है 6 + 2 = 8 हुआ, 9 - 3 = 6 हुआ, 12 - 5 आपका 7 हुआ और 6 - 4 आपका 2 हुआ। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट आंसर भी निकाल दिया। तो 3 क्वेश्चन हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो थर्ड पार्ट है, अब फोर्थ पार्ट, जो फोर्थ पार्ट है वो आपका है मल्टीप्लिकेशन का, a × b। अब ये निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखनी होगी, a मैट्रिक्स मेरी है 2, 3, 4 और 2 और b मेरी मैट्रिक्स है 1, -2, 3, 5। अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, a × b करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 1, 2, 4 × -2, तो हम यहाँ पर इसको दोनों के साइन को फॉलो करने के लिए लगातार हम यहाँ पर इसी तरीके से करते रहेंगे, 4 × 2 किया हमने तो हमारे पास आंसर आया -8। तो ये वाली चीज़ हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब हम नेक्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, 4 को करेंगे 5 से, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पर, एक सेकेंड, 2 × 3 = 6, 4 × 5 = 20। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, 3 × 1 = 3 + 2 × -2 = 4, 2 × 2 - 4, हाँ ऐसे। अब 3 × 3
9 और 2 × 5 = 10, इस तरीके से। अब आप 8 में से इसको माइनस कर देंगे, -6 -1, और ये आपका 12 में से अगर हमने 6 को सब्ट्रैक्ट किया 14, ओ सॉरी तो ये आपको प्लस करना है 26, और यहाँ 19, इस तरीके से आपका ये आंसर भी आ गया। सेम ऐसे ही आप नेक्स्ट पार्ट भी कर लेंगे, b into a। अब b into a करने के लिए क्या करना होगा, -1 -2 -3 - 5 को मल्टीप्लाई करना है 2, 3, 4 और 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से 9, फिर 1 को करेंगे 3 × 3, ऐसे हम करते जाएंगे। अब हमारे पास है 1 × 4 = 4, 3 × 2 प्लस का साइन है 6, -2 को 2 से करेंगे -4, प्लस 5 को अब हम 3 से करेंगे 15, इसको इससे करेंगे आ जाएगा -8, इसको इससे करेंगे आ जाएगा आपके पास 10। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया 11, 10 और ये 2, इस तरीके से हमारे पास ये आंसर भी आ गया। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया है वो है एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे भी क्वेश्चंस को देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और जो भी आपकी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर दीजिए। थैंक यू।